आज के वीडियो में एक ऐसे अद्भुत चीज़ के बारे में बताने जा रही हूँ जो आपने अपने घर के मंदिर में या बाहर के मंदिर में आपने चढ़ा दी तो आपको खुशखबरी तो मिलेगी ही, लेकिन अथाह धन आपके जीवन में आएगा। एक ऐसी चीज़ आपको चढ़ानी है भगवान गणेश को या भगवान शंकर को, इन दोनों को ही कोई सी भी चीज़ आप चढ़ा देंगे तो आपको अद्भुत लाभ मिलेगा, चमत्कारिक लाभ मिलेगा। और आज इसी पर जानकारी देने आई हूँ। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं जो बहुत काम का है। लेकिन अगर आप आज पहली बार डॉक्टर उमाश्री चैनल पर आए हैं तो मैं आपका वेलकम करती हूँ। और छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपकी रुचि ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, व्रत, उपवास, पूजा पाठ में है, टोने टोटको में है, तो ये चैनल आप ही के लिए निर्मित हुआ है, इसको अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, हमारे जो भगवान होते हैं वो बहुत पूज्य होते हैं, और आज देखो ना कितना सुखद संयोग है। आज वणिज नामक करण है। अगर आप व्यापार को शुरुआत करते हैं, नया व्यापार शुरू करते हैं, तो गणेश जी की वजह से जो वणिज करण है, स्पेशली आता ही रहता है वणिज करण, लेकिन भगवान गणेश के आपने स्थापना कर रखी है, और ऐसे में वणिज करण का आना आपके व्यवसाय को उन्नति देने का सूचक है। आज अगर आप नया व्यवसाय करते हैं तो शनिवार होने से आपको स्थायित्व भी प्राप्त होता है, और वणिज करण होने से आपका व्यापार कई गुना आगे बढ़ता है। वणिज करण व्यापार के लिए शुभ मुहूर्त होता है। किसी भी मुहूर्त को देखने की जरूरत नहीं होती, जब जिस दिन वणिज करण होता है, ये व्यापार के लिए ही होता है। तो अगर आप नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आज के दिन आपको बहुत अत्यंत लाभ मिलेगा। आज के जो मुहूर्त है विशेष इसलिए है कि माँ लक्ष्मी के जो व्रत भी चालू हो जाएंगे आज से, जो भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी होती है, इस पर महालक्ष्मी का व्रत किया जाता है जो 16 दिन तक चलता है, और इसका समापन आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को होता है। तो इससे भी आपको अद्भुत लाभ मिलेगा। राधाष्टमी का अवसर भी है, राधाष्टमी के लिए आप श्री राधे जी की पूजा करें तो आपको अत्यंत लाभ मिलेगा। राधे राधे का जाप करते रहें दिन भर, आपको अत्यंत लाभ मिलेगा और पॉजिटिव एनर्जी आपको भरपूर मात्रा में मिलेगी। लेकिन आज हम आपको ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जो दुर्लभ है, और आपको कहीं मिलती है तो हमें बताना। एक अचूक टोटका ये उपाय भी बोल सकते हैं इसको। आपको गणेश जी भगवान को और शंकर भगवान को चढ़ाना है ये चीज़, ये पत्ता। मित्रों, वैसे तो प्रतिदिन आप चढ़ाना चालू कर दीजिए, आपको अद्भुत लाभ मिलेगा। गणेश पूजा में अगर आप शमी का पत्ता चढ़ाते हैं गणपति को, भगवान को, वो बहुत शुभ होता है और वो बहुत प्रसन्न होते हैं। शमी पत्र भगवान गणेश को भी प्रिय है, और भगवान शंकर को भी शमी का अगर आप चढ़ाते हैं तो आपको मनोकामना पूर्ति में मदद मिलती है। भगवान गणेश भी शुभ होकर आपकी मनोकामना को पूरा करते हैं। तो शमी का पत्ता अवश्य चढ़ाइए। विल्व पत्र भी चढ़ाते हैं तो अत्यंत खुशी की बात है, लेकिन विल्व पत्र से भी ज़्यादा महत्व रखता है शमी का एक पत्ता। आप आज के दिन, क्योंकि शनिवार है और शनिवार जो शमी का पौधा होता है वो शनि से शासित होता है, शनि कर्म फल दाता है और कर्मों के हिसाब से दंड देता है या खुशियां देता है, आप शमी का पौधे पर एक दीपक प्रज्वलित करें, अत्यंत लाभ होगा और लाभदायी परिणाम आपको मिलेंगे। आप दीपक भी जला सकते हैं अपने मंदिर में, अगर घर के मंदिर में आपने गणपति बिठाए हैं तो शमी का पत्ता अर्पित करें और अपनी मनोकामना बोलें तो आपको अत्यंत लाभ मिलता है और शुभ फल की प्राप्ति होती है, और आपको खुशखबरी मिलती है। खुशखबरी पैसों से संबंधित हो सकती है, स्वास्थ्य से संबंधित होती है, और खुशी का कोई डेफिनेशन नहीं होता। पाश्चात्य ज्योतिष में खुशी की मापने का कोई तरीका नहीं होता, कोई व्यक्ति किस चीज़ से खुश होता है, कोई व्यक्ति की खुशी का कारण कोई और होता है, लेकिन आपको खुशखबरी मिलेगी। आप पैसों को देखकर खुश होते हैं तो आपको पैसा मिलेगा, आप अव्वल आते हैं एग्ज़ाम में तो आपको रिज़ल्ट आपके पक्ष में आएगा, आप मुकदमेबाजी में फंसे हुए हैं तो केस आप जीत जाएंगे। कुल मिला के खुशी की जो भी वजह हो वो खुशखबरी आपको प्राप्त होगी। इन 10 दिनों में कभी भी शमी का पत्ता चढ़ा दीजिए, आपको अत्यंत लाभ होगा। और हमने आपको थंबनेल में बताया है कि गणपति महोत्सव मनाया जा रहा है और गणपति का विसर्जन अनंत चतुर्दशी के दिन होगा, तो इस दौरान आप मुँह मांगी मुराद प्राप्त कर सकते हैं अगर आप शमी का पत्ता चढ़ाते हैं। माता लक्ष्मी का जो वास होता है बेलपत्र में भी है। आज के दिन विल्व पत्र के पौधे के समीप या पेड़ के समीप आप शुद्ध घी का दीपक जलाते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा भी आपको मिलती है। आज के 3 तारीख है,
तीन का अंक होने से भगवान विष्णु का भी दिन है आज, और भगवान विष्णु की भी कृपा प्राप्त हो सकती है। तो कुल मिला के आज बहुत शुभ संयोग बन पड़ा है और इसका फ़ायदा उठाइए और ये पत्र अवश्य चढ़ाइए। शमी के पत्ते का बहुत महत्व और बहुत महानता बताई गई है ग्रंथों में। शमी का पत्ता बहुत शुभ होता है और जो भी इसको अर्पित करता है भगवान गणेश को, दूर्वा भी अर्पित करिए। दूर्वा प्रतिदिन अर्पित कर ही रहे होंगे। दूर्वा अर्पित करने से भी आपको पुण्य फल मिलता है और शमी का पत्ता तो आपको अर्पित करना ही चाहिए। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताना। हम हैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री, ऐसे ही वीडियो लाते हैं जो आपको फ़ायदा पहुँचाते हैं। आप हमसे परामर्श भी ले सकते हैं, 25 साल का हमें तजुर्बा है और हमारे इस तजुर्बे का आप लाभ उठा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के ज़रिए संपर्क करना होता है और आप सभी प्रोसीजर को जान सकते हैं। सभी सर्विसेज चार्जेबल होती हैं लेकिन चार्जेस इतने नॉमिनल होते हैं, हर कोई अफोर्ड कर सकता है, और आपकी बड़ी से बड़ी से समस्या सॉल्व हो जाएगी अगर आप हमारे द्वारा बताए गए उपायों को करते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और हमारे से परामर्श भी लीजिए। पामिस्ट्री संबंधी परामर्श लेने के लिए आपको दोनों हाथों के प्रिंट भेजने पड़ते हैं। ज्योतिष संबंधी परामर्श लेने के लिए आपको जन्मपत्री भेजने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ देखकर आपकी जन्मपत्री स्वयं निर्मित करते हैं और परामर्श देते हैं। आप वास्तु संबंधी दिक्कत को भोग रहे हैं तो वास्तु संबंधी परामर्श लेने के लिए अपने घर का वो नक्शा भेजें जो जहाँ जहाँ आपने कुछ बनाया है उसको हमें स्वनिर्मित प्रिंट से भेजें और हम आपके वास्तु दोष को दूर करने का प्रयास करेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सबसे शेयर करके पुण्य लाभ कमाएं, क्योंकि अच्छी जानकारी को सबसे शेयर करना पुण्य की बात होती है। पुण्य लाभ आपको अवश्य करना चाहिए। और आप हमारे पुराने वीडियो देखने के इच्छुक हैं तो कम्युनिटी पोस्ट में जाइए, यहाँ हमने माता लक्ष्मी से संबंधित बहुत सारे वीडियो अपलोड करे हैं, उनको चेकआउट करिए, क्योंकि आज माता का लक्ष्मी का दिन है, माता लक्ष्मी के व्रत चालू होंगे, तो इसमें टोने टोट के हमने माता लक्ष्मी से संबंधित आपको बताए हैं, तो आपको उसको देखना चाहिए और हमें कमेंट में बताना चाहिए कि आपको वो वीडियो कैसा लगा। मिलियंस में व्यू हैं जो आपको अच्छे लगेंगे देखकर। तो आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।